हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज का बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। मोदी जी तीसरी बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे। उधर कांग्रेस के नेता हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने एक नैरेटिव बनाया है, सब योजना के तहत हो रहा है, ये लोकतंत्र का अपमान, एग्जिट पोल का संबंध मीडिया से। एग्जिट पोल करवाए गए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। एग्जिट पोल को लेकर के आरएलडी नेता मलूक नागर का बयान, का हैट्रिक सिर्फ दिखाई नहीं दे रही बल्कि वाकई होगी, कांग्रेस को अपनी नीतियों के बारे में करना चाहिए आत्ममंथन। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार का एग्जिट पोल को लेकर बयान, कहा 4 जून को बनेगी गठबंधन की सरकार, 4 जून को सच्चाई आएगी सामने। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत, कहा जनता ने संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में मतदान किया है, इंडी गठबंधन 295 से ज्यादा सीटों के साथ बनाएगी सरकार। तमिलनाडु के बीजेपी नेता तिमी सिलाई सौंदर राजन का एग्जिट पोल पर बयान, कहा कि एग्जिट पोल से पता चलता है प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तमिलनाडु में बीजेपी को मिलेगी अनुमान से ज्यादा सीटें। बीजेपी नेता विजय गोयल का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, लिखा सब सर्वों की यही पुकार, अब की बार 400 पार, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एग्जिट पोल पर बीजेपी को मिलती बढ़त पर दी अपनी प्रतिक्रिया और कहा कि आंकड़ा और बढ़ेगा, 4 जून को एनडीए 400 पार करने वाला है। बिहार के पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एग्जिट पोल पर आए रुझान पर इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा विपक्ष ने हार स्वीकार कर ली है, तीसरी बार भी बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी नेता शायना एनसी ने किया जीत का दावा और कहा कि बीजेपी की जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी, वो भी पीएम मोदी के नेतृत्व में, विपक्ष पर भी शायना ने बोला हमला। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने किया जीत का दावा, कहा कांग्रेस की कई सीटों पर अच्छी लड़ाई लड़ी, उन सीटों पर होगी जीत हासिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एग्जिट पोल पर जताई खुशी और कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, 4 जून को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। एग्जिट पोल पर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान, कहा इंडी गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है, नतीजे सब कुछ चौंका देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर बोला तीखा हमला और कहा कि 4 जून की शाम को शहजादे साधना करने जाएंगे, गुफा की तलाश जारी है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की ओर बीजेपी, रुझानों में बीजेपी 24 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है तो 2 सीटों पर नेशनल पीपल्स पार्टी आगे। उधर सिक्किम में भी विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी, रुझानों में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 13 सीटों पर जीत की हासिल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मुद्दों पर 7 बैठकें करेंगे, सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवात की स्थिति को लेकर के चर्चा करेंगे, तो वहीं देश में गर्मी और लू की स्थिति को लेकर भी समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बैठक में 100 दिन के एजेंडे की भी करेंगे समीक्षा बैठक, कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर करने से पहले सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट, लिखा जनता के जनादेश का थप्पड़ पड़ने जा रहा है। एग्जिट पोल को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले वीरेंद्र सचदेवा, कहा दिल्ली की 7 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हासिल करेंगे 400 पार। 400 पार करेंगे, एनडीए 400 पार करेगा, भारतीय जनता पार्टी 370 के आसपास सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, दर्शन के बाद गाय और बछड़े को भी खिलाया खाना, बच्चों से भी की बातचीत। बिहार के पटना में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के काफिले पर हमला, घटना में एक पार्टी का कार्यकर्ता जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बमबारी की घटना आई सामने, बीजेपी कार्यकर्ता के घर के पास हुआ यह धमाका, पुलिस मामले की छानबीन कर रही, आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल की नादिया में हैरान करने वाली घटना आई सामने, बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या करने के बाद किया सिर कलम। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद परिवार में आक्रोश, मृतक के परिजनों ने तृणमूल पर लगाया हत्या का आरोप, दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर भी किया प्रदर्शन।
असम पुलिस को मिली दो बड़ी सफलता। बराक घाटी में एक दुकान में छापेमारी कर 800 किलो गांजा किया गया बरामद, तो दूसरी ओर ऑपरेशन में पुलिस ने 9.5 करोड़ की हेरोइन जब्त की। दोनों मामलों में 7 आरोपी गिरफ्तार। उधर दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर कई इलाकों में लोगों का बढ़ रही है परेशानी, टैंकर्स का इंतजार करने को मजबूर हैं लोग। कूड़े कार दुर्घटना को लेकर एक्शन में जांच टीम, 12 से ज्यादा टीमें मामले की जांच कर रही हैं, 100 से ज्यादा अधिकारी टीम में शामिल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिखा आग का तांडव, एनटीपीसी के पास गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू।